आतंकी हमले में मारे गए जवानों की शहादत अब नेताजी के लिए चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। इसकी वानगी आज मोतिहारी में दिखी। मोतिहारी में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री और भाजपा नेता नंद किशोर यादव का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान नेताजी स्थानीय मुद्दे के बदले पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर ही चर्चा करते रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जवानों को और सेना को यह आदेश दे रखा है कि वे समय और स्थान तय कर अपनी कार्रवाई खुद कर। स्थानीय मुद्दे को लेकर नेताजी का वाट ही जोते रह गए कि वे स्थानीय मुद्दे के निराकरण अपने गली और तो हर बात में कुछ न कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। आज हमारे जवान बीएसएफ के जवान बड़ी संख्या में मारे गए आतंकवादी हमले में कश्मीर के अंदर। पूरा देश शोकाकुल है, पूरे देश के अंदर गुस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। तुमको जो कार्रवाई करना हो करो, कब करोगे, कहां करोगे, कैसे करोगे, ये सारा निर्धारण सेना के जवानों के हाथ में दिया है। और हमने उसका परिणाम देखा है। हमले के 3 दिन के अंदर जिन लोगों ने साजिश किया था, उस साजिश करने वाले को सेना के जवानों ने कश्मीर की घाटी में मार गिराने का काम किया। और जो लोग कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने का काम करते थे, सबको बड़े पैमाने पर सुरक्षा दी। लोगों को सुरक्षा में गार्ड मिला हुआ था, बॉडी गार्ड मिला हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने झटके में उन सारे आतंकवादियों के सुरक्षा को वापस लेने का काम किया। हमारी नदियों से पानी पाकिस्तान जाता, हमारा पानी पाकिस्तान पीपी के हमको गाली बकता था, हमारे ऊपर हमला करता था। हमारे लोगों ने निर्णय लिया है, अब भारत का पानी पाकिस्तान की सीमा में नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, जहां मजबूती के साथ जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाए,